राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले इन्होंने पत्र परिषद में महाविकास आघाड़ी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ठाकरे सरकार जल्द से जल्द एम्पिरिकल डेटा तैयार करे और पेट्रोल सेस 20 रुपए से कम करे। इस मौके पर तमाम मीडिया मौजूद थी। राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले इन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग ने अहमदनगर में सुनवाई और निवेदन लेने के लिए कार्यक्रम पत्रिका जारी की। ओबीसी आयोग ने तत्काल वार्ड वाइज चुनाव यादी और टैक्स पावती की यंत्रणा पर अमल करते हुए पूरी लोकसंख्या कितनी है इसका जल्द से जल्द एम्पिरिकल डेटा तैयार करें। मध्य प्रदेश सरकार स्थानिक निहाय जो ओबीसी आधार पर आंकड़े जमा किए हैं उसी तर्ज पर एम्पिरिकल डेटा तैयार करना जरूरी है, लेकिन जानबूझकर महाविकास आघाड़ी सरकार सितंबर अक्टूबर तक के डेटा जमा नहीं होने देगी। राज्य सरकार से टाल मटोल का रवैया अपना रही है। यदि सरकार महसूल, ग्राम विकास और हेल्थ जैसी यंत्रणा लगाती है तो जल्द एम्पिरिकल डेटा मिल सकता है। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जो आयोग तैयार किया गया वो आयोग अहमदनगर में जिस प्रकार से सुनावनी डेलीगेशन लेने का जो उन्होंने प्रोग्राम लगाया पूरे स्टेट में लगाने वाले हैं, ये केवल टाइम पास करने का काम चालू है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें स्पष्ट रूप से 4 मार्च 2021 के आदेश में लिखा है कि आयोग गठित होने के बाद तुरंत एम्पिरिकल डेटा की कार्रवाई चालू करो। ग्राम पंचायत में वार्ड वाइज मतदार आदि के ऊपर वहाँ के टैक्स रजिस्टर लेकर तुरंत इसकी कार्रवाई चालू करो। सारी यंत्रणा रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, रेवन्यू डिपार्टमेंट की सारी यंत्रणा काम में लगा के एक महीने में हो सकता है। मध्य प्रदेश ने पहला काम डेटा जमा करने का किया है, बाद में ऑब्जेक्शन सुनावनी वगैरह बाद में हो सकती है, लेकिन ये सरकार का, मुझे परसों भी मैंने कहा अभी भी मैं कहता हूँ कि ये सरकार का प्रेशर है आयोग के ऊपर कि सितंबर अक्टूबर कैसा भी आप निकालो ये चुनाव होने जाने दो, बाद में डेटा वेटा तैयार करिए, अभी तो केवल आप टाइम पास करिए, ऐसा आदेश मुझे लगता है आयोग को दिया हुआ है। कुछ दिनों पहले पेट्रोल के दाम काफी बढ़ चुके थे लेकिन केंद्र सरकार ने 10 रुपयों को कम कर दिए हैं। यदि ठाकरे सरकार जो 40 रुपए पेट्रोल सेस के लेती है यदि मात्र 20 रुपए सेस लिया जाए तो पेट्रोल के दाम भी और 20 रुपए से कम हो सकते हैं। लेकिन ये महसूल सरकार कम नहीं करेगी क्योंकि उनको जनता की पीड़ा से कोई लेन देन नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की हालत देख कर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ये पेट्रोल डीजल निर्णय होता है, लेकिन देश की महंगाई की हालत देखकर पेट्रोल और डीजल के रेट कम किए, लेकिन ठाकरे सरकार इस 100 रुपये में 40 रुपये लेती है, 100 रुपये में से 40 रुपये ठाकरे सरकार को जाते हैं, तो ठाकरे सरकार को विनती है जैसा बाकी सरकारों ने 15 रुपया 20 रुपया राज्य सरकार का सेस कम किया, टैक्स कम किया, वैसा ठाकरे सरकार ने 20 रुपया कम करना चाहिए और दिल्ली और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके दोनों मिलके कम से कम 30 रुपया इसमें कम हो सकते हैं। बाकी राज्यों ने भी 15 से 20 रुपया कम किया है। ठाकरे सरकार पूरी वसूली सरकार है, इसमें जितना वसूल करना वसूल कर रहे हैं और केंद्र सरकार के नाम पे झूठे आरोप करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। मेरी डिमांड है ठाकरे सरकार से, अगर जनता के हित में, महाराष्ट्र के हित में काम करना है तो आज के आज 20 रुपया कम करना चाहिए। पत्र परिषद में महाविकास आघाड़ी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ठाकरे सरकार जल्द से जल्द एम्पिरिकल डेटा तैयार करे और पेट्रोल सेस 20 रुपए कम करे, अन्यथा जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। ऐसा बावनकुले ने कहते हुए महाविकास आघाड़ी सरकार को आड़े हाथ लिया है। इस मौके पर तमाम मीडिया मौजूद थी। प्रेस क्लब से कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज नागपुर।